हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का, उसके लिए पावर सप्लाई चाहिए होता है, जो होता है ATX पावर सप्लाई। ये जो आप देख रहे हैं वो है ATX पावर सप्लाई। इसकी ज़रूरत हर किस्म के जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि टीवी है, DVD प्लेयर है, हमारा CPU है, कंप्यूटर है, उन सभी में ये ATX सप्लाई होता है। लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट तरीक से वर्क करता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट सेम है, वो डिफरेंट नहीं है। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से ये ATX पावर सप्लाई वर्क करता है, एंड इंटरनल सर्किटरी जो होती है, इंटरनल सर्किट पूरी होती है, वो बेसिक को जो होता है वो हम वो सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सब जो कनेक्टर्स है वो CPU के मदरबोर्ड में लगते हैं। ये वाले जो कनेक्टर है वो हार्ड डिस्क में लगते हैं। ये वाला जो है वो मदरबोर्ड में जो मेन होता है, ये पावर सप्लाई, ये वो है। तो इंटरनल सर्किटरी इस तरह से होती है हमारे ATX पावर सप्लाई में। ये जो है वो हीट सिंक है, जो ये जो आईसीस वगैरह होती है वो ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसे ठंडा करने के लिए ये यूज़ होता है। और ये सब हमारे पावर केबल्स है, जहाँ से हमारे मदरबोर्ड वगैरह में जो लगता है ये केबल्स, वो यहाँ से आता है, ये सब पावर जाता है। और ये जो है हमारा AC सप्लाई का प्लग है, जहाँ से AC सप्लाई आता है इस सर्किटरी में, और वो फिर कन्वर्ट होता है DC सप्लाई 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, -12 वोल्ट और -5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, उन सब में कन्वर्ट होता है इससे। तो चलो अब हम ये सर्किट को भी रिमूव करते हैं इसमें। अब ये बॉक्स निकल गया है। अब सबसे पहली बात जो होती है, जब हम ये इसे ओपन करते हैं, तब सबसे पहले ये जो कैपेसिटर होते हैं, ये वाले जो, वो काफ़ी चार्ज हो सकते हैं, तो उसे पहले डिस्चार्ज कर दे, ताकि क्या कि हम जब इसमें गलती से इसे छू ले तो हमें इसे शॉर्ट ना लगे। इसे डिस्चार्ज कर देते हैं। ओके, तो इसमें पावर नहीं है इसलिए स्पार्क नहीं हुआ, वरना स्पार्क होता है यहाँ पे अगर ये कैपेसिटर चार्ज हो गए होते तो। ठीक है, तो ये जो हमारे AC सप्लाई के जो दो दो वायर्स आ रहे हैं, फेज एंड न्यूट्रल होता है, और ये जो है ऊपर वाला जो अर्थिंग होता है, यानी कि पूरी बॉडी में आएगा। ये जो वाला है वो अर्थिंग में है, ये जो ऊपर वाला है, और ये जो वाला है, ये दोनों वो फेज एंड न्यूट्रल्स है। ठीक है, ये जो और ये जो पूरा SMPS है वो 230 वोल्ट पे काम कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारा AC सप्लाई आता है वो सबसे पहले आता है फ्यूज़ में। ये रहा जो हम देख रहे हैं, ये वाला ये फ्यूज़ है, जो कि 2.6 एम्पियर तक जितना कुछ होता है अंदाजित है, वो सभी डिफरेंट डिफरेंट SMPS में ये सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एंड ये जो है वो है NTC, यानी कि ये जो है वो ज़्यादा करंट आ जाने पर ये उड़ जाता है। ये वोल्टेज जो वर चेंजेस होते हैं, अप डाउन होते रहते हैं, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब होता है। और ये जो है वो ये जो दोनों है वो दो बार लगाई हुई है, ताकि जो AC सप्लाई जो आते हैं साइनसोइडल होते हैं, उसमें अगर गलती से ज़्यादा पीक आ जाए, ज़्यादा वोल्टेज आ जाए, तो उसे रिड्यूस करके स्मूथली बनाने के लिए इसका इसका यूज़ होता है। और ये जो है कैपेसिटर है, ये दोनों कैपेसिटर है, और ये भी ये और ये दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये जो है वो है एक ब्रिज रेक्टिफायर। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे AC लिखा हुआ है, और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, जो शायद नहीं दिखेगा वीडियो में, पर इस तरह से लिखा हुआ था, यानी कि इसमें जो है वो 3 पिन 4 पिन्स होती है। उसमें से जो ये जो बीच में वाली जो दो पिन है वो AC सप्लाई इसमें इंटरनली आता है, एंड ये जो दो पिन है वो DC सप्लाई आउटपुट निकलता है। उसमें से ये वाली जो पिन है वो पॉजिटिव है, ये वाली पिन है वो नेगेटिव है। ठीक है,
तो इतनी जो सर्किट हुई हमारी वो होती को फिल्टर करने के लिए एंड स्मूथ बनाने के लिए। अब यहाँ से जो ब्रिज लगाया हुआ है तो यहाँ से पूरा पूरी जो सर्किटरी है वो डीसी सप्लाई पे वर्क करती है, ठीक है। डीसी सप्लाई कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे। एंड ये जो कैपेसिटर लगाए हुए है वो डीसी सप्लाई तो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो प्योर डीसी नहीं होगा। तो उसे प्योर बनाने के लिए ये दो कैपेसिटर लगते हैं, ये जो बड़े बड़े वाले कैपेसिटर है। एंड इसके जो आप देखेंगे तो 200 वोल्ट के रेटिंग है, 200 and 680 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर्स है दोनों। तो अगर ये चार्ज हुए होंगे, अगर हम जब ये डिवाइस चलता है तब ये 200 वोल्ट तक चार्ज हो जाता है। अब इससे क्या होगा कि अब अगर गलती से भी इसे ओपन करके छू लेते हैं तो आपको 200 वोल्ट का करंट लगेगा। इसलिए इसे सबसे पहले डिस्चार्ज कर देना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको आपके लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। अब सबसे पहले तो ये जो सप्लाई आता है वो इसमें आता है, इस दो आईसी में आते हैं। ये जो दो आईसी है वो दो आईसी है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर्स होते हैं, यानी कि वो सिर्फ स्विचिंग करते हैं। स्विचिंग करके जो ये जो यहाँ पे एक बार नोटिस कर देना कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो वोल्टेज को डिक्रीज करता है यहाँ पे, यानी कि ये जो ब्रिज है वो डीसी में तो कन्वर्ट कर देता है लेकिन 230 वोल्ट ही रहता है, वो कम नहीं होता उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ रहा है वो भी 230 वोल्ट होगा, हाई वोल्टेज ही होगा। अब ये जो है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है जो स्विचिंग करके जो डीसी यहाँ से जो डीसी सप्लाई बना हुआ था है उसे स्विचिंग करके हाई स्विचिंग होती है, हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग होती है, कुछ किलोहर्ट्ज़ में होती है, वो स्विचिंग करके इस ट्रांसफार्मर को देता है। और ये जो ट्रांसफार्मर है उसमें इनपुट में ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पिन है, इस तरह से चार पिन है लेकिन दो दो शॉर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्विचिंग करके हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग करके यहाँ पे आउटपुट में देते हैं। और ये जो आप देख सकते हैं बहुत सारी पिन्स है, तो अब सभी पिन्स में डिफरेंट वोल्टेजेस आते हैं, कुछ में 12 वोल्ट आते हैं, कुछ में 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, उस तरह से डिफरेंट वोल्टेज यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो एंड ये जो दो आप ट्रांसफार्मर दिख रहे हैं छोटे छोटे वाले, वो नॉर्मली जो ये जो आईसीस वगैरह है, ये छोटी आईसी है, फिर ये है, उनको चलाने के लिए जो छोटे वोल्टेज चाहिए उनके लिए हो गया। और ये जो ट्रांसफार्मर है वही मेन ट्रांसफार्मर है वो, जो जिसके कारण हमारे यहाँ पे 12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट वो सब आते हैं, आउटपुट में वोल्टेज आते हैं, ठीक है। एंड अब फिर ये जो यहाँ पे जो क्रिएट किया हुआ है, जो वोल्टेज क्रिएट किया है वो यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा। एंड एक बात खास नोटिस कीजिए कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ये जो सर्किट, ये जो वाइंडिंग होते हैं इंटरनली वो, एंड ये सब वाइंडिंग वो एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है, वो एक्चुअली फ्लक्स थ्रू कनेक्टेड होती है, जिससे क्या होता है कि ये पूरी जो सर्किट है इस तरफ वाली जो, वो पूरी सर्किटरी इस तरफ वाली की सर्किट से आइसोलेटेड होती है, मीन्स के वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगी लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कनेक्टेड होती है, ठीक है। एंड फिर हम इन आईसीस की बात करें तो ये जो आईसीस दिख रहे हैं, जो मूड नहीं रही अभी तो ये, यानी कि दिखा तो मैं नहीं सकता, लेकिन ये जो आईसीस वगैरह है वो एक तरह से डायोड का ही काम करते हैं। ये तीन पिन तो होती है इसकी, थ्री लेग्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं ये थ्री है और ये वाले जो थ्री है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये सेंटर वाला कॉमन होता है और दूसरे में से जो यहाँ से आता है वो इनपुट सप्लाई जाता है इसमें, यानी कि ये सिर्फ रेक्टिफायर करता है, यानी कि इसमें जो कन्वर्ट हो चुका है जो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी होगी उससे ये डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये जो हाई करंट एंड हाई वोल्टेज, जो इतने हाई नहीं लेकिन 12 वोल्ट जितने होंगे जो, एंड हाई करंट होता है तो इसलिए ये ज़्यादा करंट को हैंडल कर पाए, इस तरह के ये डायोड होते हैं, ये दोनों डायोड है। और ये जो है ये छोटे वोल्टेज के लाइक 3.3 वोल्ट होते हैं उनके लिए होता है ये छोटा वाला, ठीक है। एंड ये जो है, ये दोनों कॉइल है, ये जो कॉइल है वो उसके ना एक, ये एक ही वाइंडिंग है पूरी, यानी कि एक ही वायर होगा। एंड ये इसे इसलिए ये बड़ा है तो ये 12 वोल्ट के लिए है। अगर आप इसे देखते हैं तो इसमें डिफरेंट कलर आप देखते हैं, मीन्स ये रेड है, फिर
फिर ये वाला जो है वो थोड़ा गोल्डन कलर का है, यानी कि ये सब वाइंडिंग है तो डिफरेंट डिफरेंट वाली है, ठीक है। तो अब डिफरेंट डिफरेंट वाइंडिंग वाले जो यहाँ से जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे जो यहाँ पे डीसी सप्लाई वापस कन्वर्ट जो हुआ है उसे कन्वर्ट करके उसे ये लोड हैंडलिंग के लिए ये इसे बनाया जाता है। तो क्या होगा कि अब यहाँ पे अगर हम मदरबोर्ड में ये लगाते हैं, ठीक है, अब अगर अब सपोज़ हम हार्ड डिस्क को किसी हार्ड डिस्क जैसी कोई बड़ी चीज़ हो जो ज़्यादा लोड लेती है उसे हम रिमूव करते हैं या फिर वापस लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि लोड कैपेबिलिटी वो सब इक्वली डिवाइड करता है, वो इसके थ्रू होता है, ठीक है। और सिर्फ उसके बाद ये इंडक्टर है, ये वाले जो सब इंडक्टर्स है, जो इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, यानी कि एलसी सर्किटरी है जो प्योर डीसी कन्वर्ट करने के लिए होती है। और फिर ये जो डीसी कन्वर्ट हो गया है, अब प्योर कन्वर्ट हो गया है, तो वो इन सब केबल्स में से 3.3, ये रेड वाला है वो 5 वोल्ट के लिए, ब्लैक वाला है वो ग्राउंड के लिए है, येल्लो जो है वो 12 वोल्ट के लिए है, ऑरेंज है वो 3.3 वोल्ट के लिए होता है, और ये सब है जो वो सिग्नल सेंस करने के लिए जो मदरबोर्ड में जो होते हैं उसमें 12 वोल्ट इक्वली आ रहा है या नहीं, ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है या नहीं, वो सब ये सब केबल्स जो है ये पर्पल वाला ग्रीन वाला वो सब उसके लिए होता है, ठीक है। और ये जो मेन जो ये पूरी सर्किटरी है वो इसका ये हार्ट है, यानी कि दिल है, हृदय है, इसके बिना ये पूरी सर्किटरी वर्क नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो आईसी है वो पूरे जो यहाँ के वोल्टेज लेवल्स जो है वो 12 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट, उन सबको कॉन्स्टेंट रखने के लिए, वो कम ना हो जाए या फिर ज़्यादा ना हो जाए, उनका सबका जो जानकारी होती है उन सबको वोल्टेज जो कंट्रोल करता है वो ये आईसी करती है। यानी कि ये आईसी अगर उड़ जाए जाए खराब हो जाए बिगड़ जाए तो फिर हमें यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिलेंगे फिर, या फिर गलत मिल सकते हैं। और अब सर ये सब दूसरे से आप देख सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स है वो उसी के लिए है कि अगर हम यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो 12 वोल्ट यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट सर्किट थ्रू इसमें जाते हैं, एंड ये सर्किटरी फिर डिसाइड करती है कि ये जो वाले जो ट्रांजिस्टर से उसे कितनी स्पीड में से, यानी कि स्विचिंग स्पीड जो होती है वो इस आईसी के थ्रू डिसाइड होता है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फोर पिन वाली एक आईसी दिख रही है, उसे ऑप्टो कपलर कहते हैं। इसके थ्रू ये जो किलोहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी होती है जिसके थ्रू इसे स्विचिंग करना होता है वो इस ऑप्टो कपलर थ्रू यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे इन दो आईसीस में, यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसमें मिलता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरा पार्ट यहाँ पे पीछे सर्किटरी दिखाई दे रही है उसमें से ये जो है यहाँ पे ग्रीन मास्किंग नहीं है, यानी कि ऐसा ग्रीन नहीं दिखेगा यहाँ पे, ये पूरा सिल्वर जैसा चमक रहा है। वो इसलिए किया जाता है ताकि अगर यहाँ पे अगर वोल्ट करंट जो होता है वो ज़्यादा हो जाए तो ये जो कॉपर्स जो आप दिख रहे हैं, कॉपर थिकनेस जो होती है वो काफ़ी पतली है उनके लिए, तो ये उड़ जाएंगे, तो ऐसा ना हो उसके लिए ऐसा लगाते हैं ताकि क्या इसके ऊपर सोल्डर करके इसकी साइज थोड़ी बढ़ाई जा सके, ताकि ये करंट जब जाए इसमें तो ये इसे उड़ा ना दे, इसे पिघला ना दे इसको ऊपर वायर को, इसलिए होता है। और आप देख सके ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट है वो पूरा अलग किया हुआ है, यहाँ पे कोई भी एक कॉपर ट्रैक नहीं जा रहा है, यानी कि ये पूरा पार्ट एंड ये पूरा पार्ट दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड हुए हैं, ठीक है। एंड थैंक्स गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड दूसरे जो अगर ऐसे SMTS वगैरह होते हैं उनका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप इसमें अगर आपको ऐसा लगे कि चलो मैंने कोई गलती की है तो आप प्लीज़ कमेंट देना। थैंक यू।